हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ वालों के लिए साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव गेस्ट ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप लोग भी कल मैट्रिक एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप भी क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का नया वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पर हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इसका दो पार्ट आएगा, ठीक है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि इसी तरह का दूसरा वीडियो और सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आंसर की भी इसी चैनल पर आने वाला है दोस्तों, जैसे आप लोग एग्जाम देकर आओगे तो आंसर की भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इस चैनल के मदद से, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करके, और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, हर एक छात्र को बोल दीजिए। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को 40 जो है 100% देखने को मिलेगा, हूबहू क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं अपने खुद से, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे लूँगा, वेबसाइट पे या फिर गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों, starkstudy.com। गूगल पे सर्च करना है दोस्तों, starkstudy.com आपको ये वेबसाइट आएगा, वहाँ पर आप लोगों को टेंथ का सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस दर्पण का फोकस दूरी जो है ना ऋणात्मक लिया जाता है, तो ये लिया जाता है दोस्तों आपका अवतल दर्पण का। तो सही उत्तर एक का बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए दो नंबर देखते हैं कि लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जानते होंगे आप लोग, आर बराबर 2f या फिर f बराबर आर बाय 2। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है ना, ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, f बराबर आर बाय 2 होता है ना, लेंस का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा, वहाँ पे आप लोग को 10 मॉडल सेट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा दोस्तों, तो जरूर चेकअप कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तीन नंबर है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो जानते होंगे दोस्तों, हीरा का जो सबसे अपवर्तनांक ज़्यादा होता है 2.42 होता है ना, ये हीरा का अपवर्तनांक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सबसे ज़्यादा होता है, अगर मतलब डायमंड का, तो तीन का डी आप लोग याद रखिएगा। चार नंबर है दोस्तों कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम, देखिए इसमें कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, यहाँ पे अल्पतम है, अगर यहाँ पे अधिकतम रहता है दोस्तों तो अधिकतम, देखिए अधिकतम और अल्पतम या फिर न्यूनतम, ये पूछा जाता है न्यूनतम दूरी या फिर अल्पतम, न्यूनतम और अल्पतम एक ही हुआ, अधिकतम अगर पूछता तो ये अनंत हो जाता है, हम अपने आँख से दोस्तों कहाँ तक देख सकते हैं तो अनंत तक, लेकिन अगर न्यूनतम अगर पूछ दिया जाए ना तो ये आप लोग को 25 सेंटीमीटर मारना है, तो चार का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अल्पतम यहाँ पे है तो ये आपका बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर अधिकतम रहता दोस्तों तो ये अनंत हो जाता। पांच नंबर है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण यहाँ पे है ना, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन, देखिए सबसे कम जो झुकता है ना दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ क्या झुकता है, मतलब सबसे कम झुकता है कौन और सबसे अधिक झुकता है वो भी बताऊँगा। देखिए मान लीजिए कि ये प्रिज्म है दोस्तों, ठीक है, प्रैक्टिकली समझ लीजिए आप लोग, मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग एक प्रकाश श्वेत प्रकाश दिए, ठीक है, और जानते होंगे जैसे ही श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो ये सात रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों, ठीक है। सबसे नीचे भी रहता है, ऊपर आर रहता है, मतलब भी जोर, जानते होंगे तो आर जो है ना देखिए सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब सबसे कम झुकाइए, तो रेड जो है ना सबसे कम झुकता है, ठीक है, और यही वायलेट है, बैंगनी होता है, वो आपको सबसे ज़्यादा झुकता है, ठीक है, लेकिन सबसे कम झुकने वाला कौन सा हो गया, रेड हो गया, तो ये आपका लाल हो जाएगा। पांच का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, रेड, ठीक है। बहुत सिंपल था दोस्तों, भीव जोर से आप लोग इस चित्र से के मदद से सबसे नीचे भी रहता है, वो सबसे ऊपर रेड रहता है, तो कम झुकने वाला रेड हो गया। छः नंबर देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है दोस्तों। तो निकट दृष्टि दोष को जो है ना दोस्तों, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, निकट और दूर दृष्टि दोष काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो निकट, निकट में आ रहा है दोस्तों तो अवतल लेंस के साथ साथ यहाँ पे दूर किया जाता है, अगर दूर रहता है दोस्तों, दूर में देखिए उत्तल आ रहा है उ, तो ये उत्तल लेंस हो जाता है दूर में, ठीक है। तो निकट में अवतल का प्रयोग करते हैं तो छ का ए। सात नंबर दे दोस्तों कि वैद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी निर्भर जो करता है ना, वो क्या चीज़ पर करता है, तो वो करता है दोस्तों चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर, ये सभी पर करता है दोस्तों, रो जानते होंगे ना, आर बराबर रो एल बाय ए होता है, तो देखिए सभी पर निर्भर करता है दोस्तों ये, तो ये आपका सही सभी पर निर्भर हो जाएगा,
ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता, तो ये राइट आंसर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वैद्युत प्रतिरोधकता है, तो 7 का डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। 8 नंबर है कि वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, बहुत सिंपल क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जानते होंगे वाट होता है दोस्तों, तो 8 का ए आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर है दोस्तों कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3.6 × 10^6 जूल। हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा इस वीडियो में, और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा दोस्तों, मैं गारंटी करता हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद परीक्षा देने जाओगे तो। ठीक है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा दोस्तों, 3.6 × 10^6 जूल, तो राइट आंसर 9 का डी। 10 नंबर है कि निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है, तो कथन जो है सत्य नहीं है दोस्तों, ये सभी कथन जो है यहाँ पे विद्युत जनित्र वैद्युत चुंब के प्रेरण पर कार्य करता है, ये तो सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी सही है, मतलब एक दूसरे को नहीं काटती है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय होता है, ये गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर 10 का डी हो जाएगा, कथन सत्य नहीं है, तो ये आपका 10 का डी हो जाएगा। चलिए 11 देखते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा, देखें एक होता है अंगूठा, एक तर्जनी और एक मध्यमा, तो बीच वाला जो भाग होता है ना मध्यमा दोस्तों, ठीक है, जानते होंगे अंगूठा जो है बल की ओर निरूपित करता है, तो ये तो बल होगा नहीं दोस्तों 11 में, ये होगा दोस्तों आपका क्या चीज़, बायां हाथ का, तो ये होता है दोस्तों आपका चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा वो निरूपित करती है, बीच वाला उंगली मतलब मध्यमा, तो याद रखिएगा 11 का सी आपका सी हो जाएगा। 12 देखते हैं दोस्तों कि चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, ठीक है, चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है दोस्तों वो क्या होती है, तो वो होता है आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, ठीक है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये आप लोग को यहाँ पे रखना, याद रखना है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। 13 देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जानते होंगे दोस्तों, ये तो देखते ही मार देंगे, यूरेनियम नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी से यहाँ पे संबंधित है, और बाकी तो सब कुछ है नहीं। 14 है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है, तो कली चूना का जो रासायनिक अणुसूत्र है दोस्तों वो आपका हो जाएगा यहाँ पे CaCO3, याद रखिएगा 14 का सी, 14 का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का जो सही उत्तर है ना वो हो जाएगा कली चूना, में CaCO3 संगमरमर का हो गया, कली चूना है तो ये CaO हो जाएगा, ठीक है, तो 14 का बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे CaO राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर दोस्तों कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर जो गैस मुक्त होता है ना उस गैस का नाम है दोस्तों हाइड्रोजन, याद रखिएगा 15 का बी। चलिए 16 देखते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट, तो 16 का ए आपका सही हो जाएगा। 17 देखते हैं दोस्तों कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, देखिए नीले मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों अनील क्षार, देखिए एक ट्रिक है, अम्ल जो है अ से अम्ल हो गया, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, देखिए इधर से हम पढ़ेंगे उसको इधर से पढ़ेंगे, देखिए मैं ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे है ना नीले लिटमस पत्र को लाल, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो ये अम्ल हो जाएगा, ठीक है 17 का ये, अगर यहाँ पे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता तो ये क्षार हो जाता, ट्रिक समझ गए दोस्तों, नहीं समझे तो एक बार फिर ये फिर से बता देता हूँ, एक क्वेश्चन नहीं भूलोगे आप लोग, देखिए ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, नहीं भूलोगे दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर ये देख लेते हो तो, देखिए इधर से पढ़ेंगे या फिर इधर से पढ़ेंगे, ठीक है, अगर नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, देखिए अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ठीक है इधर से पढ़ेंगे, अम्ल अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, फिर इधर से पढ़ेंगे क्षार जो है दोस्तों वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है क्या होता है, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये आप लोग को याद रखिएगा ट्रिक से, नहीं क्वेश्चन भूलोगे। चलिए 18 देखते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 10.5 होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर 10 का डी हो जाएगा, चलिए 18 का डी हो जाएगा। 19 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है, तो कौन सा अधातु चमकीला है दोस्तों वो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधातु चमकीला है वो है आयोडीन, तो उन्हें इसका ए आपका राइट हो जाएगा। 20 देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा धातु
अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ना, वो आपका सोडियम हो जाएगा। सबसे मतलब आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो सोडियम ही है। तो 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 21 देखते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों वो आपका 6 होता है। तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 22 देखते हैं हम लोग कि ब्यूटेनॉन, देखिए ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है दोस्तों, वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप का ये कार्बनिक यौगिक है ब्यूटेनॉन। तो कीटोन देखिए इसी से बनता है ना आप लोगों को। तो 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 23 देखते हैं दोस्तों कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो आबंध बनते हैं दोस्तों वो आपका त्रिबंध बनता है, मतलब थ्री बॉन्ड बनता है, ट्राइबॉन्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 23 का सी आपका सही हो जाएगा। 24 देखते हैं दोस्तों कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। तो एल्कीन का यहाँ पे होता है दोस्तों CnH2n, ठीक है, CnH2n। अगर CnH2n प्लस 2 के बात करें तो ये एल्केन हो जाता है, पता होना चाहिए। ये माइनस 2 में एल्काइन हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में सिर्फ CnH2n होता है और एल्केन में यहाँ पे CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है, और यहाँ पे एल्काइन में ये माइनस लग जाता है। तो याद रखिएगा 24 का बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 25 देखते हैं दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। तो ये है आपका 7। तो राइट आंसर यहाँ पे 25 का ए हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है। बोला जा रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या है दोस्तों, कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। देखिए समूह में, किस समूह में दोस्तों, ये पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में जो परिवर्तन होता है ना, वो होता है दोस्तों परमाणु का साइज जो है, आकार जो है बढ़ने लगता है। तो याद रखिएगा 26 का ए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 27 है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है दोस्तों। तो उस एंजाइम का नाम है आपका लाइपेज, ठीक है। तो 27 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। 28 देखते हैं दोस्तों कि सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है। तो जानते होंगे 120 mm बटा 80 होता है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पे याद रखिएगा, 28 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 देखते हैं कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। क्या है दोस्तों कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो ये भेजा जाता है दोस्तों रंगधर द्वारा, ठीक है, पत्ती द्वारा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है। मैं आप लोग को यहाँ पे देखिए बता देता हूँ इसका ट्रिक। क्या है दोस्तों कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन, अगर भोजन की बात करें तो ये फ्लोएम द्वारा, अगर यहाँ पे जल रहता तो वो जैलम द्वारा हो जाता। तो याद रखिएगा यहाँ पे 29 का सही उत्तर बी हो जाएगा, फ्लोएम द्वारा। 30 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। क्या है उस पौधा का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो उस पौधा का नाम है दोस्तों आपका गुलाब, ठीक है। तो याद रखिएगा रोज, 30 का बी। 31 देखते हैं कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो कालाजार बीमारी जो है दोस्तों, ये जो रोगवाहक रोगजनक होता है वो लेशमानिया होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 31 का बी। 32 है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है दोस्तों। तो द्विलिंगी पुष्प का जो उदाहरण है ना यहाँ पे, वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 32 का राइट आंसर आपका गुलाब हो जाएगा, गुलाब फूल, ठीक है, 32 का ये। 33 देखते हैं कि मानव में घ्राण ग्राही स्थित है। क्या है दोस्तों, मानव में जो घ्राण ग्राही स्थित होता है ना, वो कहाँ होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका नाकों में। तो याद रखिएगा 33 का बी होता है। 34 है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएँ नियंत्रित होती है। तो हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएँ जो नियंत्रित होती है ना, ये होता है प्रमस्तिष्क से। तो याद रखिएगा यहाँ पे 34 का ए। 35 है दोस्तों कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, वो होता है आपका पीयूष ग्रंथि से। तो याद रखिएगा यहाँ पे 35 का ए। 36 देखते हैं दोस्तों कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया।
तो अनुवांशिकता का जो सिद्धांत दिया था ना, ये दिया था मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल ने। तो यहाँ पे 36 का ए। हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, आधा घंटा का वीडियो होने जा रहा है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना, क्रोमोसोम, तो ये होता है दोस्तों आपका एक्स एक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 37 का बी। चलिए 38 देखते हैं कि निम्न में से कौन जैव अभी क्या है दोस्तों, निम्न से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो जैव निम्नीकरणीय जो कचरा है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, टिश्यू पेपर, ठीक है। 38 का डी। 39 है कि आहार तथा पैन क्या है दोस्तों, कि आहार तथा पैन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो ये है आपका बिहार का। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 का डी। 40 है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, ये सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 40 का डी। 41 देखते हैं कि निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 का सही उत्तर प्लाज्मोडियम। तो राइट आंसर यहाँ पे 41 का ए। चलिए 42 देखते हैं कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे 42 का सही उत्तर बायोमास हो जाएगा, उत्तम ऊर्जा स्रोत का ये उदाहरण है। तो 42 का डी। 43 देखते हैं कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, ये आपको बताना है दोस्तों, तो 6 होता है, ठीक है। 44 है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होता है, तो याद रखिएगा 44 का सी। चलिए 45 देखते हैं दोस्तों कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में जो पोषण की वृद्धि पाई जाती है ना, वो मृत जीवी पोषण होता है, तो याद रखिएगा 45 का ए। 46 देखते हैं कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो उदाहरण है दोस्तों, वो है C2H4, ठीक है। तो 46 का सी। चलिए 47 देखते हैं कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक जो होती है दोस्तों, ये F2 और इधर F1, तो ये मुख्य फोकस तो ये ना हुआ, तो ये उत्तल लेंस की होती है। तो यहाँ पे 47 का बी हो जाएगा। चलिए 48 देखते हैं दोस्तों कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष मतलब उत्तल लेंस। तो यहाँ पे 48 का से उत्तर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 48 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्द से जल्द दोस्तों। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं हर एक क्वेश्चन का, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दूसरे सेट का हम लोग अब आगे हैं, इसी तरह के और दो सेट आने वाले हैं दोस्तों। अगर चाहिए तो फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का नया वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि प्रकाश की किरणें जो है ना, वो गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती हैं दोस्तों, किस रेखा में करती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। वो प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती थी, तो वो सीधी रेखा में उसका आंसर हो जाता। अब यहाँ से हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंसों में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है ना, वो 2 होती है। तो याद रखिएगा 1 का ए आपका सी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ना सदा, वो क्या होता है दोस्तों। तो जानते होंगे आभासी होता है दोस्तों, इसका जवाब आप लोग को कमेंट फटाफट कीजिए, ठीक है। आभासी और क्या होता है, सीधा या उल्टा, इसमें आप लोग फटाफट कीजिए जल्दी से सवाल। ये जो क्वेश्चन है ना, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हर एक विद्यार्थी को ये आ जाना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दिया, आभासी आप लोग को बताना है सीधा होता है या फिर उल्टा होता है। बी और डी में क्या ऑप्शन होगा, फटाफट करेक्ट कीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में। चलिए 3 नंबर देखते हैं कि आँख व्यवहार होता है, मानव नेत्र जो है ना व्यवहार होता है दोस्तों किस लेंस की तरह, ये उत्तल लेंस की तरह, न कि उत्तल दर्पण मार देना, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। तो 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों, वो प्रिज्म का करते हैं, ठीक है, तभी तो यहाँ पर 7 भागों में विभक्त होता है। तो ये आपका हो जाएगा 4 का डी। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, ठीक है, किसके द्वारा बनता है दोस्तों। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये बनता है ना, वो आम नेत्र लेंस द्वारा बनता है, ठीक है, मतलब उत्तल लेंस द्वारा बनता है।
आम नेत्र लेंस मतलब क्या हो गया दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा बनता है, ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। चलिए पाँच का सी। चलिए छः नंबर देखते हैं कि एक विद्युत पर रेटिंग है लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट और 100 वाट, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, पी बराबर वी आई से आप लोग यहाँ से आई निकाल लेना, फिर वी बराबर आई आर में जाके आर निकाल लेना वी अपॉन आई से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो 484 ओम हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का सही उत्तर आपका सी आ जाएगा, ठीक है। निकाल लीजिएगा इसका, जैसे मैंने बताया पी बराबर वी आई से यहाँ से पहले आई निकाल लेना क्योंकि पी और वी का मान दिया है, ठीक। फिर आई निकाल के यहाँ से वी बराबर आई आर वाले फार्मूला में वी का मान देना और आई जो निकाला है वहाँ दे देना और आर का वैल्यू यहाँ पे वी अपॉन आई दे देना, आंसर आ जाएगा दोस्तों 484 ओम, ठीक है। 6 का सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमारा 7 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है कि विभांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो विभांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर दोस्तों। तो यहाँ पे 7 का सही उत्तर बी हो, तो यहाँ पे दोस्तों 7 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर से मापते हैं हम लोग विभांतर को। चलिए 8 नंबर देखते हैं दोस्तों कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो एमीटर को है दोस्तों वो एमीटर को किस मतलब मापने वाला यंत्र को हम लोग बोलते हैं, ये विद्युत धारा के मापने वाले यंत्र को एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो ये जो जोड़ते हैं दोस्तों हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा 8 का ये। चलिए 9 नंबर देखते हैं दोस्तों कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है दोस्तों जानते होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, तो 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 10 नंबर है कि विद्युत फ्यूज बचाता है, तो विद्युत फ्यूज जो बताता है दोस्तों वो लघु पतन के समय बहने वाले उच्च धारा के खतरे से, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 का आपका सही उत्तर बी हो जाएगा यहाँ। 11 है दोस्तों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को देखिए क्या है, अब ये हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जनित्र बोलते हैं, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, मापने वाले यंत्र को नहीं युक्ति को, तो उसको हम लोग जनित्र कहते हैं, विद्युत जनित्र। तो 11 का ए याद रखिएगा। चलिए 12 देखते हैं कि ऊर्जा के सभी रूपों में क्या है दोस्तों, कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का भंडार है दोस्तों जानते होंगे आप लोग सूर्य के पास है, जो हमेशा प्रदान करते रहता है, तो यहाँ पे राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा। 13 देखते हैं कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का जो न्यूनतम वेग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कहाँ पाया जाता है, तो वो डेनमार्क देश में, ठीक है। डेनमार्क जो पवनों का देश कहा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पवन ऊर्जाओं का देश, 13 का बी। चलिए 14 देखते हैं दोस्तों कि CaCO3 रिएक्शन हुआ CaO+CO2, उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये जो अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण जो दिया गया है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा आपका अपघटन अभिक्रिया, तो यहाँ पे 14 का सी। 15 देखते हैं कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, शोषण जो है दोस्तों ये आपका उपचयन अभिक्रिया है, तो यहाँ पे 15 का ए सही हो जाएगा। चलिए 16 देखते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है कि लेड नाइट्राइड, ठीक है, लेड नाइट्राइड चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का जो धुआं उत्सर्जित होता है ना, तो यह धुआं किस गैस का होता है, तो ये धुआं जो है दोस्तों वो NO2 गैस का होता है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तो याद रखेगा 16 का बी। 17 है कि निम्न में से कौन एक लवण है, तो लवण जानते होंगे दोस्तों यहाँ पे K2SO4 है, एक लवण है, और बाकी सब जो यहाँ पे देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे 17 का सी ही है। चलिए 18 देखते हैं कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए जो सोडियम का उपयोग मतलब किस यौगिक का उपयोग किया जाता है ना, उस यौगिक का नाम है दोस्तों NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो याद रखिएगा 18 का बी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, मैंने गलत यहाँ पे बोल दिया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, Na2CO3 का, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का बी हो जाएगा राइट आंसर, ये गलत हो गया, ठीक है। 19 देखते हैं कि लोहे का परमाणु संख्या, ये तो सबको याद रहना चाहिए दोस्तों, Fe का जो है परमाणु संख्या कितनी होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका 26, तो याद रखिएगा 26 होता है। चलिए 20 देखते हैं कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न से कौन सा गैस बनता है, तो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो गैस बनता है ना, तो उस गैस का नाम है दोस्तों आपका H2 हाइड्रोजन, तो याद रखिएगा 20 का सी।
चलिए किस देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक अभिक्रियाशील है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील जो है ना इस चार ऑप्शन में से, तो ये वो हो जाएगा दोस्तों आपका कॉपर। तो याद रखिएगा किसका, ए। 22 देखते हैं कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है दोस्तों, ये होता है आपका एनोड पर। तो याद रखिएगा यहाँ पर किसका, ए, सॉरी 22 का ए। 23 है कि हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोकार्बन का यहाँ पर उदाहरण आपको बताना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा C6H12, ठीक है, होता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का ही सिर्फ होता है, तो ये ऑप्शन में आपको यहाँ पे बी हो जाना चाहिए, तो इसका बी, ठीक है, या फिर ऑप्शन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तब इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर की COOH अभिक्रियाशीलक मूलक को क्या कहते हैं। तो COOH अभिक्रियाशीलक मूलक को, मतलब फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल, ठीक है, ये है कार्बोजलिक एसिड का है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा 24 का सी। 25 है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धातुई गुण जो है ना क्या होता है, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, सॉरी ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, तत्व के धातुई गुण जो है ना वो क्या होता है दोस्तों, तो वो बढ़ता है, ठीक है, और हम लोग किसी मतलब आवर्त सारणी में वर्ग में अगर ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर बढ़ता है परमाणु साइज, तो ये आपको याद रखिए। 26 है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य है, तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग में सदस्य है ना, उस सदस्य का नाम है दोस्तों क्षारीय धातु, अल्कलाइन मेटल, और अक्रिय गैस तो जानते होंगे जीरो ग्रुप में है, हेलोजन ग्रुप में, तो ये आपको अलग ही होता है, 26 का बी हो जाएगा। 27 देखते हैं दोस्तों कि कृत्रिम वीर्क, कृत्रिम किडनी जो है यहाँ पर किन अपशिष्ट पदार्थों को, किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो ये जो करता है दोस्तों वो नाइट्रोजन को करता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 27 का ये। चलिए 28 देखते हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है, तो 28 का ये। 29 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, तो यहाँ पर 29 का बी हो जाएगा। 30 है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं, तो वो साफ जल में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे 30 का सही उत्तर ए हो जाएगा, साफ जल, स्वच्छ जल में। 31 है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का जो उदाहरण है ना वो आपको यहाँ पे बताना है, तो वो ऑक्सिन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 31 का सही उत्तर सी हो गया। चलिए 32 देखते हैं दोस्तों हम लोग कि निम्न में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है, तो कौन सा हार्मोन कोशिका है दोस्तों, तो उस हार्मोन कोशिका का नाम है आपका ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सभी हो जाएगा जो कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में हेल्प करता है, तो 32 का डी। 33 है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाता है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका जानती होंगे आप लोग, तो तंत्रिका कोशिका जो है न्यूरॉन कहलाती है, तंत्रिका कोशिका की इकाई। 34 है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित जो होता है ना वो अंडाशय से होता है, और शुक्राणु जो निषेचित होता है वो वृषण में होता है, तो यहाँ पर 34 का डी हो गया। 35 है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव मादा में जो जनन तंत्र का जो भाग नहीं है दोस्तों वो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका क्या चीज़, वो शुक्रवाही का, वो जनन तंत्र का भाग नहीं है मादा में, ठीक, अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी, ये सभी है। 36 है कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है वृषण में, तो याद रखिएगा 36 का ए। चलिए 37 देखते हैं कि द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया है आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा, याद रखिएगा 37 का सी। चलिए 38 देखते हैं कि ओजोन परत पाई जाती है, तो किस मंडल में, तो ये ओजोन परत जो पाई जाते हैं दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है, क्षोभ मंडल से ऊपर पाया जाता है, तो याद रखिएगा 38 का ए, स्ट्रेटोस्फेयर में। 39 है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला जो पदार्थ है दोस्तों वो आपको यहाँ पे बताना है, तो वो सूखे घास के पत्ते हो जाएंगे, 39 का ये। 40 है दोस्तों कि निम्न से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो भूमिगत जल का जो उदाहरण है दोस्तों वो आपका यहाँ पे हो जाएगा कुआँ, ठीक है, भूमिगत जल का उदाहरण है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर 40 का से उत्तर बी हो जाएगा, कुआँ जो भूमिगत जल का उदाहरण माना जाता है। 41 है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो ह्रास होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन में जो ह्रास होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अपचयन अभिक्रिया, तो याद रखिएगा 41 का बी। 42 है दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को कि कौन सी
गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो वैश्विक उष्मन के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे बताना है, तो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। ठीक है, 43 है कि पित्त रस कहाँ कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त रस जो है दोस्तों, ये स्रावित होता है अग्नाशय से, याद रखिएगा 43 का ये। चलिए 45 देखते हैं हम लोग, 44 कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो ये बाल की प्रकृति जो है ना, ये वंशागत नहीं है, आँख का रंग, शरीर का आकार, चमड़ी का रंग, ये सभी है। 44 का जो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, बाल की प्रकृति जो। 45 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जानते होंगे 18 होता है, और आवर्तों की संख्या अगर पूछता है तो ये 7 हो जाता, लेकिन समूहों की संख्या है तो ये आपका 18 हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। ठीक है, चलिए 46 देखते हैं कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना है, तो वो होता है 6 परमाणु। ठीक है, C6, सॉरी ग्लूकोज है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 परमाणु। ठीक है, 47 देखते हैं कि शुद्ध जल का pH मान जानते होंगे 7 होता है उदासीन पे। 48 देखते हैं कि किस वर्ण रंग का तरंग सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जानते होंगे लाल रंग का होता है, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 48+48 मतलब 96 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। इस तरह के दो और सेट आने वाले, अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट फटाफट कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि हर छात्र के पास पहुँच जाए, और एक भी क्वेश्चन आप लोग छूटेगा नहीं दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो। और PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर ले। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, देखते रहिए चैनल।